गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज सॉलिड स्टेट का मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ। जो पिछला वीडियो का नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट तीन प्रकार का था, उसमें एक प्रकार मैंने बता दिया था, आज दूसरा बता रहा हूँ और तीसरा बता रहा। तीन प्रकार का होता है और आज के बाद एक वीडियो और बनेगा जिसमें सॉलिड स्टेट चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कल क्या बताया था, नॉन स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट था वह जनरली तीन प्रकार का था जो मैंने बता दिया था। ठीक है, पहला क्या था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, एनायन वैकेंसी जो मैं डिटेल पूरा बता दिया था। ठीक है, दूसरा क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन। क्या था, इंटरस्टीशियल कैटायन। और तीसरा होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ठीक है, तो तीन प्रकार का मैंने बताया था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ठीक है, तो मैं इसको पूरा बता दिया था, आज यह दोनों बताऊंगा, छोटा टॉपिक है। तो अगली जो हेडिंग होगी, इसको मिटा दे रहा हूं, सब बात लिखवा दिया था मैं। अगली जो हेडिंग होगी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन। इसकी वजह से होगा इंटरस्टीशियल कैटायन। ठीक है, तो याद रखिए, यह डिफेक्ट वही आयनिक सॉलिड शो करते हैं, जो जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। क्लियर हो रहा है, जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में पहला था उसमें मैंने बताया था कि वही आयनिक शो करते हैं जो स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन, यह वाला जो डिफेक्ट है वह केवल वही आयनिक सॉलिड शो करेंगे जो जनरली क्या शो करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, होता क्या है, ध्यान दो, फिगर से समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, बना रहा हूं पहले, यह मान लो कोई आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, अब यह मैं कंस्टेंट पार्ट के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 काफी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें आप कैटायन एनायन भर दो, a plus b minus, अल्टरनेट भरना है, b माइनस हो गया, a plus b minus और a plus। ठीक है, ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, जहां स्थित लैटिस हो गया, जहां जिस पर स्थित है, यह जो स्पेस खाली है इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टीशियल स्पेस। होता क्या है, यह परफेक्ट सॉलिड हो गया, इस सॉलिड में क्या होगा, कहीं से कोई एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टीशियल स्पेस में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इंटरस्टीशियल स्पेस में क्या जाएगा, एक्स्ट्रा कैटायन, और इसको न्यूट्रल करने के लिए इंटरस्टीशियल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात समझ में आ गया, तो अब इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन। क्लियर हो रहा है, मैं कह रहा हूं कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, उस आयनिक क्रिस्टल में
उस एनिक क्रिस्टल का जो इंटरस्टीशियल स्पेस होगा, इस स्पेस में एक कैटायन आ जाएगा और उस कैटायन को न्यूट्रल करने के लिए क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर देगा जिसकी वजह से न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। क्या एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड। क्लियर हो गया, तो यह दूसरा हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टीशियल कैटायन। क्लियर हो रहा है। अब हम तीसरा आ गए हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, ठीक है, यह मिटा रहा हूं मैं। अब यह चैप्टर समाप्त होने वाला है, एक वीडियो और बनाऊंगा, छोटा सा बनेगा, एक चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। अब देखिए तीसरा डिफेक्ट था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। मैं डाल रहा हूं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। याद रखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी ओनली शोन बाय दो सॉलिड विच कंटेन डी ब्लॉक एलिमेंट। याद रखिएगा, ऐसा सॉलिड जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट हो, ऐसा सॉलिड जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट हो, डी ब्लॉक एलिमेंट समझो जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वह शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी इज शोन बाय ओनली दो सॉलिड विच शो क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं डी ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बात समझ में आ रहा है, मैं इसमें क्या बताऊंगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल मतलब क्या है, देखो आयरन की बात कर रहे हैं, Fe प्लस टू बनाता है फेरस आयन और क्या बनाता है, फेरिक आयन। तो एक ही एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कारण मैं चैप्टर में डिटेल समझाऊंगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो रहा है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी वाज शोन बाय दो सॉलिड विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और कौन शो करता है, जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या, इस डिफेक्ट में मैं मिटा रहा हूं, क्या होता है इसमें ध्यान दीजिए, इसमें होता देखिए मैं बना दूं पहले, ये मैं सॉलिड बना रहा हूं, ठीक है, यह सॉलिड के लैटिस पॉइंट होंगे। अब इस लैटिस पॉइंट में कैटायन और एनायन इसमें क्या है, बढ़ दे रहे हैं, a+b- 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 a+b-
डिफेक्ट में होगा क्या कि कोई एक कैटायन, कोई एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरे कैटायन के लैटिस पॉइंट में क्या होगा, आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया ए टू प्लस, और यहां पर ये क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया, होल क्रिएट, क्लियर हो रहा है। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है,
इस डिफेक्ट में जो आयनिक सॉलिड होगा उसमें से कोई एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरे कैटायन के लैटिस पॉइंट, यहाँ ए प्लस था कितना हो गया ए टू प्लस, दूसरे लैटिस पॉइंट में ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से आयनिक क्रिस्टल में एक होल क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। यह वैकेंसी क्रिएट हो गया, बेटा बताओ कैसे क्रिएट हुआ, इस लैटिस से या कैटायन किसी में भी, इसमें चाहे किसी, लेकिन होना चाहिए किसमें, कैटायन में, किसी भी लैटिस से कोई कैटायन उठकर कहां जाएगा, दूसरे कैटायन के लैटिस में, जिसकी वजह से यहां पे वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल एक दो लिख देख लीजिए, Fe2S3 और NiO निकल ऑक्साइड एक्सेट्रा। मतलब देखिए जितने भी हैं वहां पर यह डी ब्लॉक के एलिमेंट जरूर होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट जरूर होंगे। ठीक है, क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे प्लस वन था, यहाँ पे क्या हो गया प्लस टू, तो प्लस वन से प्लस टू शो करना क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो रहा है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी कारण है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी सॉलिड होते हैं वह मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो यह नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, यह सॉलिड इन डिफेक्ट का पूरा डिटेल मैंने पढ़ा दिया, चाहे स्कॉट की हो चाहे फ्रेंकेल हो, स्टोइकोमेट्रिक हो चाहे नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो। ठीक है, अब आती है अगली हेडिंग, मिटा रहा हूं मैं, ठीक। अब अगली जो हेडिंग होगी यही लास्ट टॉपिक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा क्या, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा रटने वाला है, थ्योरी ज्यादा इसमें है, तो मैं हेडिंग क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस नाते इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन तो मुश्किल पूछना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे पूछेगा कंपटीशन में, सीधे पूछेगा किसी भी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड में भी पूछ सकता है, एक नंबर क्वेश्चन के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड तीन प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, बी क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और तीसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड कितने प्रकार का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक चुंबकीय प्रॉपर्टी, या विद्युत प्रॉपर्टी हो गया, या चुंबकीय प्रॉपर्टी हो गया, और यह डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहली हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, क्लास 9 से पढ़ते आप आ रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड जो होता है जनरली तीन प्रकार का होता है। ठीक है, सॉलिड जनरली क्या होता है, तीन प्रकार का, आप सब जानते हो, पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, नाम सुने होंगे, तीसरा हो जाएगा सेमी कंडक्टर। बात समझ जा रहा है,
तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड तीन प्रकार का हो रहा है। एक हो रहा है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो अलाउ करता है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वह सब्सटेंस जो यह अलाउ करते हैं कि भैया तुम मेरे से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर दो, प्रवाह, मतलब वह सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर, ठीक है। और जिसमें से पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और जिसमें से पास भी हो सकता है और नहीं भी पास हो सकता है, तो देखो सेमीकंडक्टर वह सब्सटेंस होता है, आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, हम यहाँ से ज़्यादा डिटेल उसमें पढ़ाया जाएगा कि सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिलाकर इसको कंडक्टर बना सकते हैं। कहने का मतलब सेमीकंडक्टर वह सब्सटेंस होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, यह बेटा वैल्यू एकदम रट लेना, एनसीईआरटी का है, 10^8 ओम यूनिवर्स सेंटीमीटर यूनिवर्स, ठीक है। कंडक्टर कितनी होती है? 10^ ओम यूनिवर्स सेंटीमीटर यूनिवर्स। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 10^-12, बहुत ही कम। बात समझ में आ रहा है? ये वैल्यू आपको एकदम मगफ होना चाहिए, ठीक है। सीधे कंपटीशन पूछता है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 10^-5 to 10^6 ओम यूनिवर्स सेंटीमीटर यूनिवर्स। क्लियर हो रहा है? तो यह वैल्यू बहुत ज्यादा है। यह वैल्यू ज्यादा मतलब क्या? इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होगा। यह वैल्यू बहुत कम है मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। यह वैल्यू इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट आएगा। मतलब सेमीकंडक्टर वह सब्सटेंस होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। या जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है यंग टाइप सेमीकंडक्टर, आप फिजिक्स में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड तीन प्रकार का हो गया, एक हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर, तीसरा क्या हो गया? सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसको लिख लिया कॉपी, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब हमको पता करना है कि जो कंडक्टर है उसमें कैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितने भी सॉलिड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के आधार पर, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो क्यों होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, इसमें कब होता है कब नहीं होता है, हमको यह पढ़ना। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी सॉलिड में, याद रखो, किसी भी सॉलिड में दो बैंड होता है। किसी भी सॉलिड में क्या होता है? दो बैंड होता है। एक को बोलते हैं बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? अभी क्लियर मैं कर रहा हूं, बैलेंस बैंड। किसी भी सॉलिड में दो बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा जो होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड जो होता है, और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप, ठीक है। इसी एनर्जी गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो जिस सॉलिड में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत ही कम होगा उसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। जिस सॉलिड में इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा होगा उसको बोलेंगे इंसुलेटर, और जिस सॉलिड में बैलेंस और कंडक्शन बैंड का गैप कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होगा उसको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड में इन बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी सॉलिड में इन बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है,
इसको समझने के लिए एक थ्योरी आई जिसको बोला जाता है बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं? बैंड थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, एक चीज जानिए, बैंड थ्योरी का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कहने का मतलब क्या है? केवल ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रहा है? तो बैंड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड, दैट इज कौन कौन सा बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन सॉलिड। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो बैंड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि कैसे बैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और देखते हैं। ध्यान दो, बैंड थ्योरी यह इंटर में तो है ही है, यह बीएससी फर्स्ट ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछता है। बीएससी बच्चे जो भी फर्स्ट इंटर के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर में जाएंगे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ या किसी और यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप समझ लो, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो बैंड थ्योरी, एक चीज जानिए कि बैंड थ्योरी का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब ध्यान दो, बैंड थ्योरी जो डिपेंड है, या जो बैंड थ्योरी डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, किसके ऊपर डिपेंड है? आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे एमओटी। क्या पढ़े होंगे? एमओटी थ्योरी। तो बैंड थ्योरी टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसी थ्योरी का उपयोग कर, किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का उपयोग करके हम बैंड का फॉर्मेशन करेंगे, और उसी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है यह थ्योरी कौन एक्सप्लेन करता है? बैंड थ्योरी। ठीक है, कैसे? देखो, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, थोड़ा बता दे रहा हूं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं या ओवरलैप करते हैं, जब एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो इनके ओवरलैप से एक न्यू ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है? एक न्यू ऑर्बिटल बनता है, और उस न्यू ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट क्या, बहुत से उसमें पासवर्ड है, मैं 2-3 पासवर्ड यहां बता रहा हूं क्योंकि सबका उपयोग यहां पे नहीं करना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला पासवर्ड क्या है कि एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप मतलब मिलना, अतिव्यापन करना, अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? दूसरा पासवर्ड क्या है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उतना ही क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ओवरलैप करने के लिए कम से कम कितना चाहिए? दो। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा कितना बनेगा? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा कितना बनेगा? तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों की जो संख्या होती है वह डिपेंड करती है कि कितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, दो ही पासवर्ड पढ़ना आपको। ठीक है, समझ में आ गया? बैंड थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यह थ्योरी क्या बताती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो, जैसे जानो ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल।
तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से कितना बनेगा, दो ऑर्बिटल बनेगा, इनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो लिथियम तीन होता है, 1s2 2s1 2p0, यही होता है। अब लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा तो 1s2 2s1 और 2p0, क्लियर हो रहा है। अब लिथियम का कोई मेटल है, ठीक है, ध्यान दो, लिथियम का क्या है, मेटल है, तो लिथियम के मेटल में लिथियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, अरब खरब, बात समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि लिथियम आपका, आपने मेटल लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख के दिखा दिया, अब आप लिथियम का मेटल ले रहे हो तो उस मेटल में लिथियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, बोलो, तो जब बहुत सारे एटम्स होंगे तो उन लिथियम के एटम्स का बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, बोलो, तो जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो बहुत सारे क्या बनेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इतना क्लियर हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं कि आप लिथियम का मेटल लो और उस मेटल में लिथियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, तो जब बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, तो बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो बहुत सारे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं फिगर के माध्यम समझा रहा हूं। लिथियम का मैं दिया Li2 मतलब लिथियम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां ध्यान दो, 2s1 2s1 1s2 1s2 नहीं होगा, 1s2 1s2 ओवरलैप करेगा, बता रहा हूं, यहां समझो 2 है या 2s1 हो गया, 2s1 इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका भी क्या हो गया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यह आपस में कंबाइन होगा, क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 2, देखो इसका 2s नहीं ना होगा, 1s2 2s1, तो एक का 2s1 दूसरे लिथियम का 2s1 आपस में ओवरलैप कर रहा है तो एक बॉन्डिंग बन रहा है, क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग। उसी तरह Li3, तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s1 2s1 2s1, ठीक है, तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, भरो इलेक्ट्रॉन 1 2 3, या भरो 1 2 3, ठीक है। उसी तरह Li4 चार होंगे तो, या चार एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 2s1 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 और 2s1, तो कितने बनेंगे, चार बना, इन दोनों को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर हो रहा है। दो कंबाइन हुआ तो दो बना, तीन कंबाइन हुआ तीन बना, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग, चार कंबाइन हुआ तो चार को क्या बोलेंगे, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, समझ में आ गया। अब मिटा रहा हूं, इसको कॉपी बना लीजिएगा, मिटा रहा हूं क्योंकि आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। इसी तरह 4 5 6 करते करते क्या होगा, बोलो, यन नंबर ऑफ कितने होंगे, यन नंबर ऑफ लिथियम एटम क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, यन नंबर ऑफ
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, समझ में आ रहा है। अब इस एन नंबर में, इस एन नंबर के एन नंबर में जो नीचे वाले होंगे वह इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, जो ऊपर वाले होंगे वो क्या होंगे, खाली होंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा था 1s 2 और 2s1, ध्यान दो। अब मान लो 1s भी तो ओवरलैप करेगा, तो 1s ओवरलैप किया क्योंकि यह पूरा 1s2 यह फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद 2s1, 2s1 में क्या होगा, यह क्या है, पार्शियल फील्ड है, और यह क्या हो जाएगा, एम्प्टी। अभी फिगर में ऊपर वाला एम्प्टी था, देखो लिथियम के दो है ना, यह भी तो ओवरलैप करेगा, तो यह ओवरलैप किया क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन है, इसको फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। 2s में आधा भरा होगा हाफ फील्ड, सॉरी यह आधा भरा होगा, इसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड, और आधा खाली उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो जो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, और इनको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। समझ में आ गया, इनको क्या बोलेंगे, बैलेंस, सॉरी कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, और ऊपर वाले क्या बोलेंगे, सॉरी इसको बैलेंस बैंड, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और मेटल्स में क्या होता है, ध्यान दीजिए, मेटल्स में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मेटल मेटेलिक एटम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो जब नंबर ऑफ मेटेलिक एटम ज्यादा होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जब जितना ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे इनके बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, कम होता जाएगा। तो एनर्जी गैप कम होगा तो यह फॉर्बिडन गैप भी क्या होगा, कम होगा। तो जब फॉर्बिडन गैप कम होगा तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होगा और इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या करेगा, पास कर जाए। क्लियर हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, जितने फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनको बैलेंस बैंड बोलते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन कम भरा है जो एम्प्टी, इनको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसी तरह किसी भी सॉलिड में क्या बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हो गया बैलेंस बैंड। बेटा आज का वीडियो लंबा हो गया, अब अगली प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।